Good morning, student. I am Muslim Aslam. This is a lecture of data structure. Today we are going to discuss about searching in binary tree. Previous lecture में आपने देखा था tree में insertion and deletion, कैसे binary search tree में insert करते हैं value को और कैसे delete करते हैं. तो आज हम देखेंगे searching in binary tree. तो searching कैसे की जाती है, इसको example के through अच्छे से clear करते हैं. तो example दे रखा है, construct a binary search tree. आपको ये array दे रखा है, ये element दे रखे हैं, number of element, इनकी help से आप tree को design करोगे. तो given root as 39, जो आपको ये values दे रखी हैं 10, 11 to 5 तक values दे रखी हैं, तो जो आपने इसमें से एक value आपको given है वो है root node. तो यानी कि 30 जो 39 value है वो root है. तो अगर आपके पास root given नहीं है, यानी कि root node जो अगर आपके पास given नहीं है, तो आप assume करके भी कोई भी node को root node बना सकते हो. ठीक है, तो सबसे पहले हमने root node को 39 ले लिया. उसके बाद जो 10 value है, अब array में देखोगे 10 value को क्या करोगे, 39 तो आपका root हो गया. ठीक है, जो 10 value आई है, 39 से क्या है, छोटी है. और 39 से जो छोटी value होती है वो left side में आती है, मतलब root node से जो छोटी value होगी वो left side में आएगी, बड़ी value होगी वो कहाँ जाएगी, right side में जाएगी. तो root node से छोटी value है 10, यानी कि वो left side में आ गई. यहाँ आपकी 10 value आ गई, ये आपको दिख रही है. और फिर 10 के बाद 11 आया, तो जो 11 है वो 10 से बड़ा है, यानी कि आप जो 10 root node है तो वो 10 के बाद 11 जाएगा. तो यानी कि 10 जो है, 10 के बाद 11 कहाँ जाएगा, right side में, यानी कि tree के right side में आएगा. अब 22 की बात करेंगे, तो 11 से 22 बड़ा है तो वो भी right side में जाएगा. अब हम 33 की बात करते हैं, तो 33 39 से तो छोटा है, तो 39 से छोटा है तो यानी कि left side में जाएगा. तो left side में 33 22 से बड़ा है, तो 22 के right side में 33 आ जाएगा. इसी तरीके से हम 44 देखते हैं. 44 में क्या हो रहा है कि 44 39 से बड़ा है, तो जब 39 से बड़ा है तो वो उसके राइट साइड में जाएगा, उसके 44 आ गया उसके राइट साइड में. और 55 क्या है, 44 से बड़ा है तो वो भी उसके राइट साइड में जाएगा. 66 आया तो 66 भी बड़ा है तो वो भी राइट साइड में जाएगा. फिर 70 वैल्यू आई, 70 वैल्यू भी बड़ी थी 66 से, तो वो भी राइट साइड में आ गई. इसी तरीके से 80 आया, वो भी 70 से बड़ा था, वो भी राइट साइड में आपके ऐड हो गया. फिर आपका 47 आया. अब 47 देखो कि 39 से तो बड़ा है, तो यानी कि राइट साइड में तो आएगा. अब 44 से क्या है, 44 से भी बड़ा है, तो 44 से बड़ा है तो 44 के तो क्या जो राइट चाइल्ड है वो 55 बन गया है. यानी कि 55 का जो 55 का लेफ्ट चाइल्ड नहीं था, यानी कि 55 से छोटा है 47, तो वो यहाँ पे आ जाएगा आपका 47. ठीक है, ऐसे ही 39 तो आपका रूट नोड था. और 5 वैल्यू है वो कहाँ आएगी, 5 वैल्यू है वो 39 से छोटी है, यानी कि लेफ्ट साइड में आएगी. लेफ्ट साइड में भी देखेंगे कि वो किस से छोटी है, यानी कि 10 से छोटी है, तो 10 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा 5, यानी कि 10 आपकी रूट हो गई और 10 के दो चाइल्ड हो गए, एक 5 एंड 11. तो इस तरीके से हम वैल्यू को सर्च करते हैं. जो एरे में नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसको कैसे रखना है, ये पूरा एक तरीके का मॉडिफिकेशन होता है, यानी कि वैल्यू को कैसे क्रिएट करें. तो आपने इस तरीके से वैल्यू रख ली. मान लिया कुछ इस तरीके से आपके पास वैल्यूज़ होती, कि अगर मान लिया हमारे पास 17 वैल्यूज़ होती, मैंने इस तरीके से आपको रेड पेन से करके दिखाया है, 17 वैल्यूज़ जो होती तो वो कहाँ आती एरे में, आपके पास ये पूरा एरे डिज़ाइन होता, तो 17 जो है वो 39 से तो छोटी है, तो 39 से छोटी है तो वो कहाँ जाएगी, लेफ्ट साइड में जाएगी, तो ट्री के लेफ्ट साइड में जाएगी. जब रूट नोड से आपकी छोटी है तो आप देखोगे कि 17 जो है 11 से तो बड़ा है, तो 11 का तो राइट चाइल्ड 22 है. अब 22 से छोटा है तो यानी कि 22 का वो लेफ्ट चाइल्ड बन जाएगा 17, तो यहाँ पे वो ऐड हो जाएगा. अगर इसी तरीके से 49 ट्री में और वैल्यूज़ होती, 49 अगर आता तो वो कहाँ जाता, 39 से बड़ा है, यानी कि 44 से भी बड़ा है, तो 55, तो यानी कि 47 से बड़ा है, तो ये हमारा इसका राइट चाइल्ड हो जाता 49. ठीक है, ऐसे ही अगर 65 आता तो 65 कहाँ जाता, 70 से छोटा है, तो 70 का लेफ्ट चाइल्ड बन जाता. तो इस तरीके से हम ट्री में वैल्यूज़ को रखते हैं. तो ये आपका क्या कहलाता है, सर्चिंग. वैल्यूज़ को सर्च करना, उसको मॉडिफिकेशन करना, यानी कि एक तरीके से बाइनरी ट्री को क्रिएट करना वैल्यूज़ को. तो ये सब चीज़ें आपकी क्या कहलाती हैं, बाइनरी सर्च ट्री कहलाती है. तो हमने बाइनरी सर्च ट्री की डेफिनेशन भी देख ली है. आई होप आपको बाइनरी सर्च ट्री अच्छे से समझ आ गया होगा. प्री ऑर्डर, पोस्ट ऑर्डर सारी चीज़ें देख ली हैं. अब हमने इससे इंसर्शन भी देख लिया कि कैसे वैल्यू को इंसर्ट करते हैं और कैसे वैल्यू को डिलीट करते हैं. और हमने सर्चिंग भी समझ लिया कि कैसे वैल्यू को सर्च करते हैं. तो आई होप आपको बाइनरी सर्च ट्री, यानी कि बाइनरी सर्च ट्री की सर्चिंग अच्छे से क्लियर हो गई होगी. तो आज के लिए इतना ही. थैंक यू सो मच स्टूडेंट.